Hey guys, good morning. आप सब कैसे हो? I hope आप सब ठीक होंगे. Welcome to new vlog. Vlog की शुरुआत हो रही है भाई. 6 बजे. 6 बज गए हैं. हम घूम के आ गए और आने के बाद स्टार्ट किया है मैंने. पहले किया नहीं. और अब मैं आई हूँ ऊपर. ऊपर मशीन में, ऊपर वाले मशीन में कपड़े पड़े हैं. नहीं, मेरे तो है ना, कपड़े ही खत्म नहीं होते. पता नहीं, परसों धोए थे, कल भी धोए थे, कल भी बाहर सुखाए थे, आज में भी मशीन में पड़े हैं, नीचे वाले मशीन में भी पड़े हैं. पता नहीं इतने कपड़े होते कहाँ से हैं. और ये भी नहीं है कि मैं ज़्यादा वो करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं. एक ही काम है मेरा, कपड़े धोना दोनों मशीनों में. और कोई काम तो मैं करती नहीं हूँ, काम चोर हूँ. लेकिन वो भी बहुत हो जाता है. कुछ सैलून के आ जाते हैं, कुछ घर के हो जाते हैं. मशीन तो मेरी है ना, हर दिन लगती है, हर दिन. एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरी मशीन ना लगे. तो इसी के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत. सुबह सुबह तेरे दिमाग में ही नहीं रही कि तू आ रही है. इतना डर गई एकदम से, गेट खुला, मैं इतनी सुबह कौन आ गया भाई है? भूल गई थी कि मोनी भी आने वाली है और मोनी आ गई है. बाकी जल्दी से गेट खोला है मैंने कि पता नहीं कौन आ गया एकदम से और गेट किसने खोल दिया. वाह वाह, देखे कि गाड़ी खीर लगा ले, यानी कि दीदी खाली है. क्या कह रही है? हम सोचे कि गाड़ी एक ही लगा है तो खाली दीदी है अंदर. अच्छा, वही से गेट में बजा दिए ना. गाड़ी देख कर मत करे, आ करे दादी को जरूरी नहीं है. गाड़ी तो कोई मांग के भी ले जा रहा हो है. गाड़ी ना हो तो क्या आदमी करना ना हो. बता, गाड़ी देख के नहीं होगा के क्या करे. हमने खाली दीदी अकेली घर पे है. वाह भाई वाह मोनी. हमने भैया 8 बजे सारा काम खत्म कर दिया है. काम तो वैसे मैं करती क्या हूँ, जो कि काम खत्म कर दूंगी. वही है कि मतलब अपने आप का नहा ली हूँ, पूजा कर दी है. और अब हाँ, आज मैंने काम किया, सही कह रहे. आज ब्रेकफास्ट बना लिया है मैंने, परांठे और परांठों के साथ चाय. पूजा नहा के पूजा करके ब्रेकफास्ट बना लिया. खुद नहीं आज, क्योंकि मोनी को मना कर दिया है कि आज नहीं आना उसको, इसलिए. और अभी हो चुके 8:15 हो चुके हैं. अभी 9 बजे सैलून के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि जल्दी चली जाऊंगी. कल चाबी मेरे पास रह गई थी और मेरे घर की चाबी कल लड़कियों के पास चली गई गलती से, तो इसलिए आज जल्दी चली जाऊंगी. 8 बजे नहीं, 9 बजे, सॉरी, 8 तो बज ही गए हैं. तो ब्रेकफास्ट करके और निकलते हैं फिर. आज हमारे पास कोई खास मेहमान आया है भाई. अब आप लोग सोचो कौन आया होगा. मेरे दिल में बुलाई हो, बताई देती हूँ. चलो, आप बुला नहीं रहे हो क्योंकि आप आ नहीं सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है. मुँह का करवाए तो मैंने बहुत दिन हो गए. मुँह का तो मैं करवाती कम हूँ, सिर्फ मैंने बालों पर ध्यान दे रखा क्योंकि बाल मेरे झड़ने बंद हो रहे हैं और ग्रोथ भी हो रही है. लंबे भी हो रहे हैं. लंबे का भी ये ट्रीटमेंट देंगी, ये चलिए एक बार झड़ने बंद हो जाए फिर लंबे का भी देंगी. कि लंबे क्योंकि अभी सर्दियां चल रही है ना, तो कैप पहनते हैं. पहनती कैप को भाई. अरे वाह, क्या बात है. तो लंबे कर दे बाल भाई. लेडी को हमेशा सेक्सी रहना है और आपकी याद आ रहा हो सब कुछ, चाहे वो हेयर हो. सपना ने तो जीना सीख लिया सिर्फ तुम्हारे सारे. मेरी YouTube फैमिली बहुत ही प्यारी है, मैंने कदे गलत कमेंट भी को नहीं करा. अरे कितनी अच्छे हो, सिर्फ आपका सारा जीवन और आपका सारा नहाना खाना सारा आपका. सही करो ना कर भाई. बिल्कुल करेंगे. और नया काम की सोची है वो सिर्फ बताओगे. तो हमने नए काम की सोची है भाई. हमें ना सिलाई और पार्लर का जो लड़कियों को काम सिखाने का स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी मतलब जगह लेके हांसी गेट पे कहीं आपको जगह बता दी जाएगी. और फीस अभी डिसाइड नहीं हुई. जिस जिसको अभी काम सीखना है तो वो कमेंट कर दे और अपना नंबर डाल दे कि भाई मुझे पार्लर का या सिलाई का कुछ भी सीखना हो. और जो लड़कियां मतलब वही है भाई जिनके गरीब है,
जो फुर्सत नहीं है, जो आंटियां झाड़ू पोछा करती है और कुछ करते हैं, तो उनके लिए ना फ्री है, चाहे वो सिलाई हो चाहे वो पार्लर हो, बिल्कुल फ्री रहेगा हमारी तरफ से। बिल्कुल ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी जाइए। कल मेरे पास एक लेडीज भी आई थी, न बोले मैं भी गरीब यार नू तो ना करता हूँ, सारे मन ना मार दिए, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोले मैंने भी गरीब में शामिल कर लियो, तो सिर्फ गरीब की फ्री सेवा रहेगी, जिसकी बेचारी जो मोहताज है, जो खाने के भी मोहताज हो जाए है, उनके लिए मैं फ्री सेवा करूंगी, और सिमी भी करेगी, और क्या थोड़े से ले लें दस भाई, हमने भी रेंट देना, हमारे भी कई बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी फीस निकालनी है, तो सब कुछ वो करना है। और इनका हेयर का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो ये एक मैम को और लेके आए हैं, उन मैम का भी काम हो रहा है, उनका फेस हम नहीं दिखा सकते, उनका काम होने के बाद उनके हेयर दिखाऊंगी बैक साइड से कि भाई बंद हो जाएगी, बोलेंगी मुंह पे कुछ लगा देंगे दो दिन, हाँ मुंह पे लगा देंगे, कैसा रिजल्ट है, कितना अच्छा रिजल्ट है, तो उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। बताइए आपने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, आपको कैसे लगा? देखो मैंने ना ट्रीटमेंट लेते हुए 3 महीने हो गए ना, हाँ, मैं हर महीने स्पा करवाती हूँ, और मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था ना, इतना अच्छा निकला है मेरा, मैं देखो ऐड नहीं कर रही, मेरा पे देख जाऊंगी इसे ना, ठीक है गूगल पे का स्क्रीनशॉट निकाल दे, हाँ ले लियो, मैं किसी की ऐड नहीं करूंगी, मैंने इससे पहले भी बोल दिया था, हाँ इन्हें मेरा किया था, बालों का किया था ना वो, मैंने करवाया था, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी मैं, देखो। और फिर मैंने इसको ये बोल दिया था, मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया सिमी, मैं हर महीने आऊंगी अपना स्पा करवा के जाऊंगी, और देखो इस तरह आते हैं, सबकी रोजी रोटी है भाई, देखो मैं अपना आती हूँ और करवा के हर महीने जाती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और मेरे बालों की ग्रोथ भी हो रही है, मेरे बाल इतने लंबे लंबे हो रहे हैं, और लंबे वाले वाली करेगी दीदी, अगली बार आऊंगी ना मैं, जब से स्टार्ट करवाऊंगी, जब से स्टार्ट करें, और बहुत अच्छा करते हैं, और आपने भी करवाना तो सांझ मेकअप मिंत्रा पे जरूर आए, मैं सपना मलिक को ये भी बोल देती हूँ, ठीक है, कले ना पिजाड़वान भी चढ़ रहे हैं, वो अपना रिजल्ट बताएगी परसों, दो दिन में रिजल्ट का पता चल जाता है भाई, दो दिन में रिजल्ट का पता चल जाता है, हाँ वो परसों बता दे, परसों बता देंगे, और बाकी के दिन भी बता, पता मेरा दो दिन में मैंने सिर धोया था ना, जब बाल नहीं जड़े थे मेरे, है ना, परसों हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मोटी उसको पकड़ के लेके आ, देख एक बार लेके तो आ, ना भाई नहीं इसमें एक लेके आई है तो उसमें तेरा जुलूस कैसे निकलेगा, ये पहन के तो मार्केट में भी तो निकलेगी है, देख एक चीज दिखाती हूँ भाई, आज सोनाली ने, आज हम सैलून पे सिर्फ 3 लोग हैं, सारे छुट्टी पे, सोनाली मानसी और मैं, और सोनाली की बोली मैडम मैं शॉपिंग कर लूं, मुझे चल बेटा कर ले आज शॉपिंग, और शॉपिंग दिखाती हूँ भाई, 2 बार चेंज करवा चुकी है अब लड़की आप लोगों को दिखाती हूँ, सोनाली सोनाली क्या हो गया सोनाली, अरे एक बात बता, अगर तू अपने आप को दिखाएगी ना तो ये लोग कमेंट करके अच्छे अच्छे हैं, और वो बता अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे भाई तेरी ड्रेस कैसी लग रही है, भाई ये है ना अपनी ड्रेस नहीं दिखा रही, देख ये सब लोग तेरे को बताएंगे कैसी लग रही है, मेरे को नहीं पूछना किसी से भी, अभी पूछ रही थी तो तेरे को पूछना पड़ेगा, सॉरी मैम गलती होगी मेरे से, अरे ये त्रिंका तो बता दिया त्रिंका के है भाई, लड़की ड्रेस लेके आई है लेकिन दिखा नहीं रही है, बता दी चल ठीक है सोनाली मैं जा रही हूँ बाय, आप यहीं पे खड़े हो आप यहीं पे खड़े हो, तो वही सोनाली नहीं दिखा रही है ड्रेस क्योंकि वो ऐसे लग रही है जो पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन लगता था ना, वो लूज पेंट पहन के ऊपर वो शर्ट है, तो ये पुरानी अमिताभ बच्चन लग रही है ये दिख तो इसलिए दिखा नहीं रही है, ये साइड में से शॉपिंग करके लेके आई है, सोनाली आजा दिखा दे, हमारे साइड वालों ने ना सेल लगा रखी है बहुत अच्छे अच्छे टॉपों की और बहुत अच्छी अच्छी पेंट है, तो उसमें से लेके आई है, ये देखो भाई मारा डिनर है और यूनू कौन बताऊ बनाया किसने है,
बहुत स्पेशल पर्सन ने बढ़ाया है मेरे खातर दे गले मिर्च, बाकी बहुत अच्छा है। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है भाई, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, थैंक यू।